से देख रहे हो, रशियन मस्त करके बैठी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है और यहाँ पर हम लोग नहा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है अभी, जो आप देख सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और हम लोग जल्दी उठ गए थे आज, मैं और मेरे साथ का जो मेरा दोस्त है, हम लोग जा रहे हैं आज कलीम बीच। तो तुम्हें दिखाते हैं आज कलीम बीच का नज़ारा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कलीम बीच, यहाँ से शायद 2.5-3 किलोमीटर लगभग दूर होगा, तो चलते हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ की रोड है, एकदम चढ़ाई और फिर डाउन, ऐसी यहाँ की रोड़े हैं, आप देख सकते हो ये। और यहाँ पर ये भाई लगता है आर्मी की तैयारी कर रहा है, सुबह सुबह भाग रहा है बुढ़ापे में। टॉवल भी लेके आ गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे सनस्क्रीन भी जरूरी है, काले हो गए तो ऐसा लग रहा है अपने वहाँ गधेरे में ऐसा नहाने जाते हैं ना नदियों में, वैसा ये भाई टॉवल आवल लेके आ गया है। आज समुद्र में डुबकी लगाई जाएगी, मतलब है यहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क कर ली है। देखो यहाँ पर ना ऐसे रोड के किनारे ऐसे पार्किंग बनी रहती है, ये देखो बाइक के लिए ऐसे पार्किंग बनी हुई है और सामने रोड है और ये साइड में है बीच। सुबह सुबह का ना नज़ारा एकदम कुछ अलग ही है बीच का, मस्त हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी और अभी हल्की हल्की धूप निकल रही है, ये देख सकते हो। वहाँ पे पीछे लोग नहा भी रहे हैं देखो, और काफ़ी साफ बीच है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे पूरा एकदम क्लीन है, ये देखो मस्त। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो लोग बीच पे कुछ भी खाते पीते हैं ना तो वो खुद ही साफ कर लेते हैं, मतलब जहाँ पे डस्टबिन रहेगा वहाँ पे वो लोग। यही है दोस्तों कलीम बीच, ये देख सकते हो। तब काफ़ी बड़ी लहर आ रही है अभी, आप देख सकते हो ये, और वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। आप कभी भी थाईलैंड आओ तो बीच का मज़ा लो, बीच पे घूमो सुबह के टाइम मस्त। पीछे देख रहे हो रशियन मस्त करके बैठी है, ये लोग सुबह सुबह नहाने आ गए यहाँ पे। पीछे देख सकते हो ऊपर बहुत बड़ा जंगल है, पूरा पहाड़ है ऊपर, बाकी सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। कल से ना पहले ही आ गए हम ये साइड, और बीच जो है वो आगे है तो हम लोग पहले आ गए। तो अभी हम लोग की जो स्कूटी है वो आगे पार्क हुई है, तो अभी चलते हैं वहाँ से स्कूटी लेके, फिर निकलते हैं आगे तो वहाँ पर दिखाते हैं तुम्हें नज़ारा। मतलब है साथ में ही है पर यहाँ से चलने का नहीं है, यहाँ से हम लोग चल के निकलते क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, इस वजह से हम लोगों को ऊपर से निकलना होगा रोड पे से। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो पीछे मैडम बैठी है वो सुबह सुबह बियर पी रही है। बताओ यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं बीच पे, वो मैडम बैठ के वहाँ पे मस्त बियर पी रही है, बताओ सुबह सुबह ऐसा नज़ारा भी है यहाँ का। अभी हम किनारे में बैठे हैं, यहाँ पर ऐसे बैठने के लिए ऐसा पूरा बना रखा है सीलिंग जैसी, तो अभी बैठे हैं। बीच का मज़ा ले रहे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है
आसमान के पीछे गाड़ियाँ चल रही है। पीछे हाईवे है क्या? पीछे हाईवे, ये सीधी रोड कहाँ है? फुके टाउन पे जाती है ये? कलीम बीच की तरफ फुके टाउन को भी जाती है, अलग रास्ता जाता है ये करीम। तो दोस्तों ये आ चुका है, खूबसूरत जगह आप देख सकते हो कलीम बीच। ये हमारा भाई कह रहा है पानी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यार यहाँ पर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहा नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी लग रहा है, क्योंकि ये इधर उधर से पत्थर है ना, पहाड़ जैसे हैं, तो इस वजह से बीच में पानी ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखो यहाँ का नज़ारा, काफ़ी मस्त नज़ारा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये देख सकते हो ऊपर पूरा रिसोर्ट है। ये देखो बैठ चुके हैं नीचे पत्थरों में, और ये साइड मेरे को लग रहा है ना पानी ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो नहा नहीं सकते हैं, पानी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ना इधर उधर से पत्थर हैं तो बीच में पानी का फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे हम लोग नहा सकते हैं। नहाने के लिए हमें आगे ही जाना होगा पतंग बीच साइड में। ज़्यादा पानी है और यहाँ पर हम नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है अभी, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर ना ऐसा बीच जैसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा पत्थर पत्थर है, तो यहाँ पर हम लोग नहा नहीं सकते हैं। नहाने के लिए हमें उधर ही जाना होगा पतंग बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं हम मस्त करके। से निकलते हैं अभी पतंग बीच की तरफ, क्योंकि वहाँ पर नहाएंगे, यहाँ पे तो नहा नहीं सकते हैं। पतंग बीच में देख सकते हो, और ये पीछे पूरा रेस्टोरेंट है, अभी खुले नहीं है, शाम के टाइम खुलता है, क्योंकि पूरी रात चालू रहता है। तो देखो बीच के किनारे किनारे पूरा वहाँ तक पेड़ हैं। तो ये भाई तो चले गया नहाने के लिए, पानी नहीं है, गर्मी है, पर थोड़ा काम है, अंदर जाना पड़ेगा तेरे को, वहाँ पर अंदर बिल्कुल। क्या हो गया भाई? बहुत खारा पानी है, बहुत खारा पानी, खारा ही होगा पानी, से बंदर है भाई, आंखें जल गए और आंखों में दर्द होने लग गया, मजा आ गया। और ठंडा नहीं है, इतना ठंडा पानी नहीं है, ठंडा नहीं है ना पानी, गर्म हो रखा है, ऐसा लग रहा है किसी ने हीटर लगाया होगा, ऐसे पानी गर्म किया होगा। दोस्तों नहा के आ चुका हूँ मैं, काफ़ी मज़ा आ गया, इतना आँखें जल रहे हैं,
बारिश में पूरा आंखें जल रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था नहाने में। और इस टाइम पर ना यहाँ पे पब्लिक है नहीं, इतना कोई नहा नहीं रहा है, या तो फिर वो पीछे वो साइड में है, बाकी ये साइड में कोई नहा भी नहीं रहा, अभी पब्लिक भी नहीं है, बाकी जो है वो भाग रहे हैं बस। और मज़ा आ गया आज, अरे भाई ये देख सकते हो काफ़ी तेज की धूप लग चुकी है अभी, हम तो ऊपर साइड छाव में आ गए हैं, बाकी हम निकलते हैं, निकल रहे हैं रूम के लिए और काफ़ी टाइम हो चुका है तो अभी निकलते हैं। दोस्तों पीछे देख रहे हो रेस्टोरेंट की लॉज घूम रही है मस्त, शायद रील्स शूट कर रही है, पीछे उसने स्टैंड लगा रखा, फ़ोन लगा रखा है और कुछ रील्स बना रही है लगता है, वो भी झूला झूलते। हम लोगों ने स्कूटी कहाँ पे खड़ी करी थी, वो साइड है क्या, तो हम आ चुके हैं पीछे रोड पे इस साइड में, अब यहाँ से हमें निकलना होगा। पहुंच चुके हैं हम लोग, काफ़ी थक चुके हैं आज। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको ऐसी थाईलैंड की वीडियो नई नई देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।